आसमा आपका नाम है? पूरा नाम क्या है आपका? आसमा साबिर। आसमा साबिर, आसमा आप कितने साल की हैं? 6 साल। आसमा उस दिन क्या हुआ था आपके साथ? चाचू लेके गई थी। चाची लेके गई थी? नहीं चाचू। वो कौन है? इधर से रहती है मैं, इधर। कोई औरत है वो? उस दिन क्या हुआ था आपके साथ? वो कितनी आया चावल वंडन दे। उस दिन आप घर के बाहर खेल रही थी? किसके साथ खेल रही थी आप? अकेली। अकेली खेल रही थी? फिर क्या हुआ? फिर मैं गंदा और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आराम से बताओ, आराम से। गंदा कुछ भी नहीं होता, क्या हुआ था उसके? गंदा रात कप्पे में तारा, फिर उधर चला गया सी। फिर क्या हुआ? फिर नीचे, फिर उन्हें कप्पा खोलिया सी, फिर बाहर सटे। उसने आपको मारा भी था? हैं, कहाँ कहाँ मारा था? ऐसा जितनी सारा कुछ लाया। अच्छा, कैसा था वो? काला। काले रंग का था? कितना बड़ा था वो आदमी? कोई लड़का था? हैं, क्या आदमी था? आदमी था। हैं, फिर वो कहाँ भाग गया? रिक्शे में बैठ के गया। आसमान ने पहले कभी देखा उसको यहाँ पे? कभी भी नहीं देखा। नाज़रीन, बच्ची चूंकि एक काले रंग के शख्स के बारे में बार बार बता रही है कि वो इसे यहाँ से लेके गया, उसको चीज दिलवाने के बहाने लेके गया। चूंकि ये मुल्ज़िम इमरान अरेस्ट हो चुका है और आसमा के केस के मुतालिक भी इसी का नाम सामने आ रहा है, इस बच्ची से पहचान करवाते हैं कि यही वो शख्स है। आसमा, ये था वो? ये नहीं था वो? कौन था फिर? ये नहीं था? आपको पूरी तरह अच्छी तरह याद है ये? नाज़रीन, दूध का दूध और पानी का पानी तो कहीं सामने हो ही रहा है कि किस तरह से वो शख्स यहाँ से लेके गया, उसका हुलिया क्या था, और जो अरेस्ट हुआ उसका हुलिया क्या है। बच्ची ने पहचानने से इनकार कर दिया। सवाल ये आता है यहाँ पे कि अगर आसमा की मेडिकल रिपोर्ट में कुछ चीज सामने आई, आसमा के साथ अगर कुछ हुआ, तो वो शख्स उसका हुलिया तो कुछ और था, और पुलिस किसको मुर्द इल्जाम ठहरा रही है? खैर, ये डिबेट है, इस पे तो हम आपको ऐसा ऐसा मजीद और भी प्रूफ देंगे कि असल हकायक क्या है। आसमा, उसने आपको कुछ और कहा कि वो क्यों आया है आपके पास, वो कौन है, आपके अबू का दोस्त है, कहां से? आपने पूछा नहीं उससे? नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? आपने कहा नहीं कि आपके साथ क्यों जाऊं? मैंने नहीं जाना, लेके खींच के लेके गया था। आपको किसी ने देखा नहीं उसके साथ जाते हुए यहाँ से? आपने घर में से किसी को आवाज नहीं दी कि मुझे खींच के लेके जा रहे? नहीं दी। घर से कितनी दूर ले गया था वो आपको? दूर ले गया था। सुबह का वक्त था, शाम का वक्त था? शाम का वक्त था। फिर जब आपने शोर डाला तो आपको छुड़ाने कौन आया था वहाँ पे? पापा आया था। पापा आ गए थे वहाँ पे? वो कहाँ से आए थे वहाँ पे? उन्होंने देख लिया था आपको जाते हुए? हैं? नाज़रीन, ये तो वो बच्ची है, सहमी हुई है, बार बार अपने जिस्म को खुजाती है, न जाने इसके साथ क्या सफाकियत ढाई गई वहाँ पे, जो उसने वहां पर देखा और जितना को हमें बता सकती है, क्योंकि बच्चा सहम जाता है और बहुत कोई उम्र नहीं है इसकी, हुलिया जितना देख पाई वो हमें बता रही है। बच्ची के वालदेन भी मौजूद हैं यहाँ पे, उसकी माँ है खासकर, क्योंकि माँ को बच्ची हर बार डिटेल से बताती है। तो जब ये बच्ची वापस आई, माँ ने जब उसको प्यार किया, तो उसने माँ को क्या बताया, वो कौन लोग थे, क्या वो शख्स कभी इस इलाके में देखा गया, कोई अपना पराया कौन है? बच्ची ने माँ को क्या बताया आके? इसकी माँ से पूछते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आप आसमा की वालदा हैं? हाँ जी। बच्ची सानू उथे मिली, उथे गई है, मैं जाके बच्ची नू अंदरों, बच्ची दे कपड़े उतारे पे ने, बच्ची बेहोश पई। अच्छा, बेहोश बच्ची पई है, इस तरह दे था चुके बच्ची नू बाहर ले दा, उथे कोठी तैयार हुंदी सी उथे। अच्छा, उथे बच्ची ना दे था चुके ले दा है, क्योंकि पापा उथे किसे मोटरसाइकिल उथे खाली उन्ने ही उथे फड़ी है, पर के सिन बाकी से अस्पताल लै गए, उथे जाके उन्होंने उथे दाखिल कर ली, उथे ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਉਥੇ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਨਾ ਆ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਨਾਖੂਨ ਲਗੇ ਹੋਏ? ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਕੀ ਬੱਚੀ ਹੋਸ਼ ਮੇ ਕਬ ਆਈ? ਹੋਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਮਾ ਵਹਾਂ ਪਰ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਮੇ ਥੀ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਮੇ,
लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक और आत्मा की वालदा के मुताबिक इनकी बच्ची सेफ रही अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ कुछ नहीं हुआ। तो क्या आसमा का डीएनए आज इमरान से मैच किया जा रहा है? क्यों, अगर उसके साथ हुआ कुछ नहीं तो फिर डीएनए रिपोर्ट क्यों मैच की जा रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और यहाँ पे कहानी को ट्विस्ट भी दे देता है कि जब कुछ नहीं हुआ तो पुलिस इमरान के नाम पर आसमा को भी जो है वो नामजद कर रही है साथ कि आसमा के डीएनए में ये आया, मेडिकल रिपोर्ट में आया, आसमा बाल बाल बच गई। और वो काला शख्स कौन था? अगर वो इमरान नहीं था, बच्ची ने पहचानने से इनकार कर दिया, तो वो शख्स और वो औरत जो सप्लाई कर रही थी बच्चियां उठा के, उसका क्या किरदार है? पुलिस इन लोगों से बेखबर क्यों है? यही प्रोग्राम में आज आपको दिखाते हैं आगे के हकायक क्या है। नाज़रीन, इस वक्त हम ईमान फातिमा के घर पे मौजूद हैं। ये बच्ची भी अब दुनिया में नहीं रही, लेकिन इस बच्ची का मुजरिम बना के एक नौजवान हमारी सफाक पुलिस के हाथों लुक्मा अजल बन चुका है। क्या मामला था सारा? ये बच्ची के वालिद मौजूद हैं, कितने मुतमईन है अब इमरान की गिरफ्तारी से? वो हम इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तवासिन है। अच्छा, आपकी बेटी थी ईमान फातिमा जी, कितना अर्सा पहले वो अगवा और कत्ल हुई? 11 महीने। आप लोगों का मुल्ज़िम एक मारा जा चुका है जी, अब आपकी बेटी के नाम से इमरान को मंसूब किया जा रहा है जी। कितने मुतमईन है, पहले वाला मुल्ज़िम था या ये मुल्ज़िम है? दिल की बात यही है कि उस वक्त वो मुजरम लग रहा था। अच्छा, क्योंकि उन्होंने कबाले जुर्म किया था मेरे सामने। अच्छा, एक बरा नहीं दो बरा किया था। अच्छा, कबाले जुर्म। लेकिन आप ये कह रहे हैं घूमती नुमाइंदे, ये जो इमरान पकड़ा गया आपकी बेटी का भी यही कातिल है? तो आपने पूछा नहीं कि पहले वो कातिल था, उसको मार दिया आप लोगों ने, अब ये कातिल है, तो दोनों में से असल कातिल कौन है? हमें डीएनए रिपोर्ट दें। हमने पूछा था, फिर वो कह रहे हैं ये इमरान कातिल है। ते इमरान नु असी मिले भी गए। अच्छा, इमरान ने कबाले जुर्म किया जिस तरह मुदसर करता सी, बिल्कुल वैसे ही। वैसे ही। अच्छा, कल को कोई तीसरा मिले तो वो भी कबाले जुर्म करे, तो असल कातिल फिर कौन निकलेगा? आप क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं जैसे इन्होंने लोगों ने मजाक समझा हुआ हमें, हमारी बेटियों को, जो 11-12 बेटियां हमारी शहीद हो चुकी हैं और हमें इंसाफ नहीं मिला। अभी भी मुतमिन नहीं है? नहीं, मुतमिन नहीं है। पहले मुतमिन थे, अब मुतमिन नहीं है। अब कहते हैं ये डीएनए रिपोर्ट आ गई है, ये आपकी बेटी भी इसमें शामिल है। उस वक्त तो जो मुदसर था उसने इकबाले जुर्म किया था, अब कहते हैं ये इमरान, इसने भी इकबाले जुर्म किया है। डीएनए रिपोर्ट हमें पता ही नहीं, डीएनए रिपोर्ट क्या है क्या नहीं होती है, या तो हमें बताया जाए ना भी ये डीएनए रिपोर्ट होती है। हम मुतमिन थे, हमें इंसाफ मिल गया। अच्छा, लेकिन मसला तो अब खड़ा हो रहा ना, जब ये इमरान पकड़ा गया, वो कह रहा है कि मैं आपकी बेटी का भी कातिल हूँ, अब मसला खड़ा हो रहा है। इसका मतलब है डीएनए ना तब सही करवाया था इन्होंने, ना अब सही। अगर तब सही था तो फिर अब सही नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसी। और अगर अब डीएनए सही है तो तब एक शख्स को इन्होंने ऐसे मार दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो वो कत्ल आज इन्होंने आप लोगों के जिम्मे में डाल दिया एक किस्म का, कि आपकी बच्ची का नाम करके हमने मारा। हाँ जी। नाज़रीन, मुदस्सर मार दिया गया ईमान फातिमा का मुजरिम बना के। आज इमरान का डीएनए भी मैच किया जा रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि ईमान फातिमा का असल जुर्मदार जो है वो इमरान है। क्या हकायक है? इनको तब भी गुमराह किया गया या इनको आज गुमराह किया जा रहा है? तब हकायक थे तो डीएनए, ये लोग लाइलम थे डीएनए क्या होता है, लेकिन पुलिस एक जिम्मेदार महकमा है, तब मुदस्सर का डीएनए क्यों नहीं मैच किया गया ईमान फातिमा के साथ? और किया गया तो तब की रिपोर्ट कहाँ है? और अगर वो बेकसूर था तो उसकी जिम्मेदारी उसके कत्ल के किसके सर पे है? और अगर वो जुर्मदार था तो आज इमरान का डीएनए क्रॉस मैच में क्यों आया? ये क्यों, क्या, कैसे, ये सवालात तो आज जन्म दे रहे हैं, लेकिन जवाब ना तो पुलिस के पास है, ना किसी जिम्मेदार महकमे के पास है, ना ही किसी सियासी जमात के पास है, और ना ही उन लोगों के पास है जो इसकी पुश्त पनाई कर रहे हैं। चूंकि जब ये वाकयात हुए तो न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे कसूर से शेरोज, जिन्होंने तमाम वाकयात को कवर भी किया यहाँ से और लम्हा बलम्हा की हमें रिपोर्ट दी। इससे पहले तो है वाकया जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन वो है वाकया हो चुके थे। लेकिन दसर वाला वाकया ये है कि 24 फरवरी 2017 को ये नो ईमान फातिमा जो थी वो गवाह होती हैं और जो खदशा दायर किया जा रहा था गवाह के बाद इसे ज्ञाति कर मर्डर कर दिया जाएगा। आखिर वही हुआ
और फिर ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि बॉडी भी धीरे धीरे मकान से मिलेगी, जैसे कि पिछले चार बच्चों की धीरे धीरे मकान से बॉडी मिली थी, इनका भी इसी तरह से मिला। और इस तरह इस दफा यह हुआ कि इस दफा लोगों ने बड़े जोर पे शराब एहतजाज किया, हमने भी अपने प्लेटफॉर्म नियो से आवाज उठाई और नियो ने यह पहले भी आवाज उठाई थी जिस तरह हमने इस दफा उठाई है, और ये इसी तरह चलते रहे और लोगों ने एहतजाज किया। लोगों का एक प्रेशर था, मीडिया एक प्रेशर था पुलिस के ऊपर कि आखिर कसूर में एक ही बंदा एक तरह से दंदनाता फिरता रहा है, एक तरह से वारदात करता है, एक ही उम्र की बच्चियों की जिसकी उम्र 10 से लेकर 8 साल की उम्र होती है, उन्हीं बच्चों को उठाता है और वर्गला कर और बच्चियों को ही वर्गला कर लेके जाता है, वर्गला कर उनके उसको ज्यादा का निशाना बनाता है, उनको जिनसी तशद्दुद करता है और उसके बाद गला दबा कर कत्ल कर देता है। इसी तरह ये ईमान फातिमा का वाकई इस तरह रिपोर्ट हुआ, लोगों ने एहतजाज किया, लोग पुलिस ने मौका पर पहुंची और जैसे जो पुलिस करती आ रही है रिवाजी का अपनाते हुए पुलिस ने, इससे पहले भी आयशा का वाकया हो चुका था उसमें भी पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल कर दी। अच्छा, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल कर दी। एक और वाकया हुआ था, जिस बच्चों ने अपने कजन के साथ बदफेली की थी, बदफेली के बाद उसे कत्ल कर दिया था। अच्छा। पुलिस ने क्या किया कि पुलिस ने ड्रामा इंदाद में उन्हें बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया, बच्चों की उम्र बिल्कुल वो नाबालिग बच्चे थे, 13 से 14 साल की उम्र थी, अंडर 18 थे, टीन एज थे वो बच्चों पर, बच्चों ने क्या पुलिस ने क्या किया उन पर तशद्दुद किया, तशद्दुद करके उन्हें उकसा लिया के ऑन करें कि उन्होंने आशा का मर्डर भी किया है। सही। उस तरह के हुआ कि चंद दिनों के बाद इत्तेफाक के तौर पर हम लोग गए वहाँ पर, मेरी मुलाकात भी हुई उनसे, जो बच्चे थे जिन... तो पुलिस ये सारे वाकयात क्यों मतलब इस तरह से तशद्दुद करके, अगर पहले उनको मनाने की कोशिश की बच्चों को, आयशा के लिए नामजद किया उन्हें, फिर मुदस्सर वाला वाकया, ये पुलिस की कुछ काली भेड़े हैं या ये यहाँ का पूरा पुलिस का आवा बिगड़ा हुआ है? देखिये यहाँ पे तो पुलिस का आवा ही बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा। अगर क्योंकि अगर पुलिस ने कोई एक्टिविटी की होती तो आज कसूर की कोई 8-12 बच्चियां बच जाती, आसमा से लेकर जैनब तक 12 बच्चियों को दरिंदगी का निशाना बनाया गया और साधु कर बनाकर। पुलिस में जो आला अफसरान हैं डीएसपी लेवल एसपी लेवल, क्या वो भी इन्वॉल्व थे सारे मामले में? पुलिस ने मुदस्सर एक बंदा था जो ईमान फातिमा के कातिल जिसे करार दे देगा उसे कत्ल कर देगा, वो किस जुर्म में पकड़ा हुआ था पुलिस? पुलिस ने उसे खदशा दायर किया जा रहा था कि वो बंदा है उसकी मुशाबत रखता है। अच्छा, मुशाबत की वजह से उसे उनके ईमान फातिमा के फैमिली की तरफ से कहा गया था कि हमारे जो बंदा उठाया गया उनको बच्चा वो देखे जिसकी उम्र 6 साल की थी, जिसने निशानदेही की कि इस बच्चे ने 6 साल एक छोटे से बच्चे के कहने पे उन्होंने उस बंदे को पकड़ लिया। वो तो जैसे तैयार बैठे थे कि कोई क्लू दे हमें और हम अपना काम खत्म करें। एग्जैक्टली इसी तरह तो उन्होंने तफ्तीश जरूरी नहीं समझी, डीएनए करवाना मुनासिब नहीं समझा, इन्वेस्टिगेशन करना मुनासिब नहीं समझा। एक उसी रात को 24 की रात को ये वाकया रूनुमा हुआ, 25 को बंदे को मुदस्सर को अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा था, वहां से उसको उठाती है, उठाकर कसूर बी डिवीजन में लेके आती है, वाकिन के मुताबिक उनकी मुर्सा की उनसे मुलाकात करवाई जाती है। ईमान फातिमा के वालिद जाते हैं थाना बी डिवीजन में, उनसे उनके मुदस्सर से मुलाकात करते हैं, जिसमें मुदस्सर इतराफ जुर्म करता है, वो कहता है उनके वाकिन को, हाँ मैंने ही आपकी बेटी के साथ ज्यादती की, उसके बाद में कत्ल कर दिया। जो उसके बाद क्या होता है कि पुलिस मुदस्सर को मजीद इन्वेस्टिगेशन करना मुनासिब नहीं समझती, डीएनए करवाया नहीं जाता, डीएनए करवाया नहीं जाता, उसके बाद क्या करवाती है कि मुदस्सर को इनकाउंटर करके किस तरह किया जाता है, पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है। पुलिस मुकाबले में क्या करवा जाता है कि डकैती करता आ रहा है बंदा, पुलिस नाके पर रोका, पुलिस ने रोकने पर उसने पुलिस पर मनधड़क स्टोरी अपने पुलिस पर फायरिंग कर दी और फायरिंग करते हैं पुलिस की गोलियों से नहीं मरता, वो अपने ही साथी की गोली से मर जाता है। अच्छा, मर जाता है और उसमें जो गोली चलता है उसके एक और बाइक उसमें मुलवस कर दिया जाता है, मुदस्सर के भाई को, मुदस्सर अपने भाई की गोली से मरता है और उनके बाद उनसे कानून की यहाँ तक हद तक देख लें कि उनकी फैमिली से मुदस्सर की भाई से एक स्टाम्प पेपर के ऊपर रिटर्न लिखवा दिया जाता है कि तुम पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं करोगे। अच्छा। इस बनात को उनके डॉक्यूमेंट्स कर एक तो भाई गया उनका और दूसरे भाई को उसका कातिल बना दिया।
और लिखवा लिया आवाज नहीं उठाएंगे। सही सही, तो आज उनकी फैमिली और आज इमरान को उसी ईमान फातिमा का कातिल जो बनाया जा रहा है डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक सवाल ये उठता है कि फिर वो मुदस्सिर का खून किसके सर पे, उसका कत्ल किसके सर पे है। तो ये सारी स्टोरी जो है पुलिस जानिब से घड़ी गई, तो ऐसे में क्या पुलिस के अफसरान जो थे वो भी उस वक्त मजबूर कर रहे थे तमाम लोगों को कि यही कातिल है? बिल्कुल, ये आप मैं आपको ये डीएसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं भी उसमें मौजूद था।